मार्केट के एक्शन के अलावा खबरों का भी सपोर्ट बैंक्स के लिए आते हुए दिख रहा है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। क्या ये बड़ी खबर, इसके बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं क्या खबर आई है बैंक्स के लिए। बिल्कुल दीपांशु, कल हमने देखा था जब हम NSE में हम उलझे हुए थे थोड़े से, लेकिन उसके लिए उस बीच हमने देखा कि बैंकों के लिए काफी अच्छी खबर आती हुई दिखी थी। वित्त मंत्री ने खुद ट्वीट किया था और कहा था कि अब जो निजी बैंक्स हैं उसके जरिए अब सरकारी ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखेंगे। अब तक हमने देखा था कि ज्यादातर जो सरकारी ट्रांजैक्शंस है वो सरकारी बैंकों के थ्रू ही होता हुआ दिखता था, SBI PNB के जरिए होते थे, लेकिन अब जो है जितनी भी निजी बैंक्स है वो भी उनके जरिए भी जो सरकारी ट्रांजैक्शंस हैं वो होते हुए दिखेंगे। अब इसका जो फायदा है वो बड़ी बैंक्स को तो होता हुआ दिखेगा ही, लेकिन अब ये माना जा रहा है जानकारों की तरफ से कि इसके चलते जो छोटे या मिड साइज जो बैंक्स हैं इनको भी काफी फायदा होता हुआ दिख सकता है। पेंशन, स्मॉल सेविंग स्कीम, रेलवेज, डिफेंस, इन सब में जो ट्रांजैक्शंस बड़े बड़े होते हैं इनका जो फायदा है वो इन बैंकों को होता हुआ दिखेगा। आप देखिए, सबसे पहले तो जो इस लिस्ट में शामिल थे उसमें हमने देखा HDFC बैंक, एक्सिस और ICICI बैंक शामिल थे इस लिस्ट में, जिनमें ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस होते थे लेकिन छोटी मात्रा में होते थे, अब वो बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जहां पे बिल्कुल ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे बड़ी बैंकों में, वो येस बैंक, कोटक और इंडसइंड बैंक है। तो ये तीन बैंक्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके अलावा जो ऐसी बैंक्स हैं जिनकी रूरल फोकस ज्यादा है, जहां ज्यादा ब्रांचेस है, इनको भी जो फायदा है वो होता हुआ दिखेगा। रेलवे में सबसे ज्यादा फायदा होगा, सीनियर सिटीजन स्कीम का फायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, नए सैलरी अकाउंट्स यहां पे बढ़ते हुए दिखेंगे और इसके चलते इनके जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ेंगे, इसका फायदा बैंकों को मिलते हुए दिखेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ब्रांच खोलने की भी योजना जिन बैंक्स की, उनको फायदा होता हुआ दिखेगा। इसके चलते सरकारी बैंक्स की जो कंपटीशन है वो बढ़ती हुई दिखेगी और इसके अलावा जो निजीकरण की बातें चल रही है उसमें फायदा जरूर मिलता हुआ दिखेगा। ये सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव माना जा रहा है सारी ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से। इसके अलावा आप देखिए जो जेफरीज की आज रिपोर्ट आती हुई दिखी है, इनका ये मानना है कि ये पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इंडसइंड बैंक में आने वाले 2 साल में अगर डिपॉजिट्स बढ़ते हैं तो इनके मुनाफे में 10% तक का ग्रोथ आने की संभावना है। कोटक बैंक की बात करें, करंट डिपॉजिट्स बढ़ने से करीब 2% इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिख सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल में। इसके अलावा आप देखिए इंडसइंड बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, RBL, IDFC फर्स्ट, ये कुछ चुनिंदा बैंक है जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली ये मानता है कि गाइडलाइंस के लिए अभी अवेट करेंगे, उसके बाद फाइनली अर्निंग्स या एस्टिमेट्स पर नजर रखेंगे। बिल्कुल, तो ये बैंक्स के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। हिमांग सर, आपसे इस पर व्यू जानना चाहूंगा, किस तरह से देख रहे हैं इस पर इम्पैक्ट। आज सुबह आपने भी इसके बारे में ट्वीट भी किया था, कैसे समझे इम्पैक्ट, और ये सिर्फ सेंटिमेंटली पॉजिटिव है या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ बिजनेस प्राइवेट बैंक्स के पास भी आ सकता है? देखिए, डेफिनेटली रिफॉर्म पर्सपेक्टिव से ये एक पॉजिटिव न्यूज है, और ज्यादातर गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है उसमें एक डिपॉजिट लेड होता है और एक डिसबर्समेंट लेड होता है, तो ये 12-13% मेरे ख्याल से डिपॉजिट का जो बेस है वो है और 15-16% जो है वो डिसबर्समेंट का है। तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ कुछ बिजनेसेस जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, इनको ऑलरेडी मिलता था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो इंक्रीमेंटल कहीं ना कहीं दोनों जगह पे बेनिफिट मिल सकता है, पर अर्निंग इंपैक्ट इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होगा। सेंटिमेंट के हिसाब से ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक, ये सब में थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप देख सकते हो, पर मैं नहीं समझता कि उससे जिस तरह के ओवरऑल बेस पे काम कर रही है बैंक उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक्स पर राय, और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख भी रहा है।